चुनावी साल में राजस्थान सरकार जनता के लिए मानो भगवान हो गई है। हर रोज महंगाई राहत कैंप के जरिए लोगों को तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ इतनी तेजी से पहुंचाया जा रहा है जिसका कोई मुकाबला ही नहीं। जयपुर में किसानों के सम्मेलन में भी मुख्यमंत्री जी ने अपने सरकार की तमाम योजनाओं के फायदे गिनवा दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने किसानों को 2000 यूनिट बिजली फ्री दी है, 1800 रुपए प्रति माह का फायदा दे रहे हैं। सीएम ने कहा कि उन्हें गणित अच्छी तरह से आती है और सरकार ने जनता के लिए जो काम किए हैं उन्हें कोई झुठला नहीं सकता। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार गौशाला में अनुदान दे रही है, लंपी रोग महामारी के कारण हुए नुकसान को पूरा करने के लिए पशुपालकों को 40,000 रुपए दिए जा रहे हैं, जबकि बीजेपी गाय के नाम पर सिर्फ सियासत करती है। सीएम गहलोत ने कहा कि पीएम 4 महीने में किसानों के खातों में 2000 रुपए भेजते हैं। अब इसके लिए बड़े बड़े विज्ञापन देकर मोदी सरकार अपने काम का ढिंढोरा भी पीटेगी, लेकिन राजस्थान की कांग्रेस सरकार सिर्फ काम करने में भरोसा करती है। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार ने किसानों का 14,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया है, अपना वादा निभाया है, लेकिन राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्ज का मामला है जिसे लेकर कई बार मोदी सरकार को पत्र भी लिखा गया। सीएम ने कहा कि उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि आप बैंकों से सेटलमेंट कर लो, किसानों के हिस्से की राशि राज्य सरकार दे देगी, लेकिन केंद्र सरकार टस से मस नहीं हुई। उसने तो सिर्फ उद्योगपतियों का 10,00,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया है, लेकिन किसानों का 1,00,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ नहीं कर सकते। सीएम साहब पिछले काफी वक्त से महंगाई राहत कैंप के नाम पर तो कभी लोकार्पण और शिलान्यास के नाम पर बड़ी बड़ी घोषणाएं और वादे करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोग उन्हें देखने और सुनने नहीं आते, लेकिन कई जगहों पर सीएम के कार्यक्रम में खालीपन भी देखा गया। तमाम योजनाओं और मुफ्त की सरकारी रेवड़ियां लूटने वालों की वैसी भीड़ नहीं दिखी जैसी उम्मीद की जा रही थी। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में बहुत सी कुर्सियां खाली पड़ी रहीं, लेकिन सीएम साहब इस बार के चुनाव के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। भीड़ कम आए या फिर ज्यादा, गहलोत जी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो ठान चुके हैं कि जैसे भी हो इस बार भी सरकार बनवा कर ही दम लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।